गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखो, जैसे मैं रेडी हो रखी हूँ, अभी आज से हमारा सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि आज सीजन का पहला दिन है और मुझे 2 दिन हो गया है। परसों मैं पहुँची थी और पहुँचते ही मैंने ना घर की सफाइयाँ शुरू कर दी थी, क्योंकि दिवाली में इस बार सफाई नहीं हुई है। और ये आ गई हमारी खुशी। और खुशी ने मैंने ऑलमोस्ट मैचिंग पहना है, थोड़ा सा कलर डिफरेंस है टी शर्ट। तो जैसे मैं बता रही थी कि मैंने घर की सफाइयाँ शुरू करी है, पूरा कॉटन चेंज करके, ये कॉटन मैं इंडिया से लेके आई हूँ। और इस बार सामान ने तो बहुत तंग किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान लेके आई हूँ इंडिया से। बर्तन किचन के होता ही है ना, इंडिया में देखते हैं इतनी सारी चीज़ें, तो बस ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। मेरा पॉपसिकल देखो, मैंने अपने आप बनाए। तो USA ये पॉपसिकल मेकर था। पहले इसमें कोई सा भी जूस जो चाहिए उसमें भर दो, फ्रीजर में रख दो और तब स्क्वीज करो, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बहुत ठंडा है। और खुशी ने अभी ये वाला वॉल पूरा अपना क्राफ्ट करके भरा हुआ है, ये भी मुझे सेट करना है। हैलोवीन के लिए बनाया था मैंने ये पंपकिन और ये स्कल। मेरे किचन के बर्तन भी जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ अभी तक इधर ही पड़े हुए हैं। देखो अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं। तो कल सोच रही हूँ, कल शिप नहीं है, आज शिप है तो आज तो जा रही हूँ काम पे, और कल शिप नहीं है तो कल मेड को बुला के पूरा किचन क्लीन करके और सेटिंग करूँगी। तो ये बर्तन कल यहाँ से मूव हो जाएंगे, अभी तक तो ऐसे ही पड़े हैं। देखो हमारा लियो कितना बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। जब आने के बाद ऐसे लगता है बहुत बड़ा हो गया है। पापा ने ऐसे खिलाया लियो को, पहले हम उसको बॉयल चिकन देते थे और रावत जी ने इसका चिकन पूरा बंद करके उसको पूरा बाजार का खाना दिया, बस लिक्विड में भी और ड्राई में भी। और इसको तो मजा आ गया खा के। आज 1.5 महीने के बाद मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगी। मेरी गाड़ी देखो 1.5 महीने से गैरेज में खड़ी थी, रावत जी ने भी कभी नहीं निकाली। और इतनी गंदी लिजर्ट ने इतनी गंदी करके रखी हुई है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिजर्ट होते हैं और इतनी गंदी कर रखी है, मैं कैसे चलाऊंगी इसको। खोल बेटे, पूरा प्रेशर से खोल। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मार रही थी। हाँ गाइस देखो, आज मम्मा 1.5 महीना के बाद गाड़ी चला रही है। मम्मा बोल तो ऐसे लग रहा था मैं इंडिया में गाड़ी चलाना भूल तो नहीं गए गाड़ी चलाना। और इधर तो बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, ठंडी से। हाँ यहाँ पे विंटर टाइम पे बहुत गर्मी होती है, बहुत। विंटर होता ही नहीं है, विंटर होता ही नहीं है कभी यहाँ, ठंडा होता ही नहीं है। जब ठंडा होता है बस बारिश एक दिन के लिए और तब फिर से गर्मी शुरू। स्टोर से आ गई और चेंज करके गार्डन में जाती हूँ। बच्चों को मैंने टेनिस छोड़ दिया, खुशी तो आज मेरे साथ ही थी क्योंकि उसका मिड टर्म ब्रेक था और सुशांत का कॉलेज था, तो वो भी 3 बजे ख़त्म हो गया था, तो मैं घर आ गई थी। उसके बाद वो टेनिस चले गए। और अभी मैं आज ना आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ कि 1 महीने में मेरे गार्डन की क्या हालत हो गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो गार्डनिंग आती नहीं है। और बस तब किसने देखना था, तो दिखाती हूँ। देखो इन फ्लावरों को भी एक ग्रास ने पूरा ख़त्म कर दिया है। इसमें ऊपर इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए थे जब मैं गई थी, और यहाँ नीचे भी ये वाले फ्लावर ना इतने प्यारे थे, पिंक एंड वाइट। ये भी अब पूरा मुझे निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। और ये मैंने अजवाइन का पत्ता लगाया था जाने से पहले, ये भी अजवाइन का पत्ता तो हो गया पर ग्रास निकालनी पड़ेगी। अरे भिंडी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, अभी ये खाने लायक है नहीं। ये सारी भिंडियाँ इतनी बड़ी बड़ी, देखो ये देखो, क्योंकि टाइम से निकाली नहीं होगी, ये पक्की हो गई ये सारे। और ये फ्लावर देखो, ये भी बहुत प्यारे हो गए, ऐसे लगते हैं जैसे ऊपर से कॉटन है, एकदम प्यारा है ये।
इतना बड़ा हो गया क्योंकि ग्रास इसके अंदर इतनी हो गई है। लियो ने दिन भर यहाँ खुला रहता है तो पूरा गड्ढा बना दिया। ये भी अभी करना पड़ेगा सही। ये स्वीट बेजिल है, इसको हम इंडिया में इसकी इतनी खुशबू आती है ना नमक में के साथ पीस के, ये ककड़ी के साथ खाते थे हम इसका। इसका नमक बहुत अच्छा होता है, अगर इसको नमक के साथ हरी मिर्ची के साथ पीसो ना तो बहुत टेस्टी होता है। और ये देखो यहाँ बाकी फ्लावर तो सब सूख गए, बस वो बचा है। मिंट देखो मेरा मिंट, मिंट में पूरा ग्रास ही ग्रास हो गया और मिंट का कहीं पत्ता ही नहीं है। मेरी पिछली वीडियो देखना आप खोल के, मेरे पास कितना मिंट था। और देखो अभी ये पत्ते बचे हुए हैं बस, क्योंकि ये जो ग्रास है ना इसने पूरा इसको मार दिया। यहाँ भी सब ऐसे हो गए, देखो यहाँ भी भिंडी इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है, तोड़ी है नहीं तो पक्की हो गई। ये देखो अभी मैं आज पहले मिंट को सुधारती हूँ, क्योंकि मिंट चाहिए हमें बहुत ज़रूरी। अभी इनको मिंट मिल ही नहीं रहा है। पहले मैं ये मिंट का ग्रास निकालती हूँ, देखती हूँ कितना निकाल सकती हूँ। देखिए इतना मैंने कर लिया अपना मिंट को क्लीन, और यही मिंट बचा है अभी फैलेगा इसमें, क्योंकि ग्रास मैंने सब निकाल दिया होगा। और इधर मैंने राई बो दी, पूरा वहाँ धनिया बो दिया थोड़े से, मतलब आधे में राई और आधे में धनिया। तो देखते हैं कितना टाइम में जमता है, अब धनिया का टाइम आ गया ना।